कुछ लोगों में एलर्जी भी हो जाता है। देखो कितना बड़ा है, वहाँ इधर बिशी देरी हो जैसे, इट्स ऑलरेडी लेट, बहुत देर हो गया यहाँ आते आते। तो अभी जगह ढूंढ रहा है सोने के लिए कि कहाँ पे सोऊँ, थोड़ा अच्छा जगह वाला में सोना हो पड़ेगा क्योंकि अभी इतना ज़मीन सूखा नहीं है, द ग्राउंड इज स्टिल वेट, सो आई हैव टू build a shelter, but I'm finding it difficult because it's already very late now. It's already 6:30. Deco spider. This is the reason why it's very dangerous to sleep in the forest floor. I think they're going to mate. So it's very dangerous. A poisonous spider hai ye. Ye jo dusra wala spider jo main khata hu wo nahi hai. It's a different one. So it can be poisonous as well. See? So avoid the ground. I just found this open space. आज तो यहाँ पे ही सो जाता हूँ, इस जो बैम्बू है उसके अंदर ही सो जाता हूँ, कुछ बना के जैसे कि बिस्तर जैसा बना के। I'll make a bed and I'll just sleep inside this bamboo roof. It will protect me. So I'll just look around for insects, spiders and all. But I'll try to make a machang here. कुछ बिस्तर जैसा ऊपर ज़मीन के ऊपर बिस्तर बनाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सो जाता हूँ आज के लिए। तो दे स्लीप हियर, सो दिस इज द स्पॉट। ओके, अभी के लिए यही है, दिस इज़ फॉर नाउ। आई हैव मेक माई बेड, बिस्तर तो बना दिया। देखो ऐसा ज़मीन के ऊपर होना चाहिए, इट शुड बी अबव द ग्राउंड लाइक दिस। देन आई विल पुट सम लीफ, कुछ पट्टे वट्टे देना पड़ेगा यहाँ पे जगह बनाने के लिए। और भी मेरा मैट भी लाया हुआ हूँ वहाँ पे, देखो तो आराम से सो सकता हूँ। लेट्स गो एंड सर्च फॉर सम लीव्स। कुछ उसके ऊपर मैट रखूँगा और मैट के ऊपर सोऊंगा। तो अभी आज तो कुछ तो मिला ही नहीं, कुछ स्पाइडर मिला है, देखते हैं कैसे रहेगा। देयर इज लॉट ऑफ मस्कीटोस एज वेल, कुछ मच्छर है, देख सकते हैं आप लोग भी, देखो मच्छर तो है। सो आई हैव टू मेक सम फायर, कुछ आग बनाना पड़ेगा, धुआं देना पड़ेगा। कितना अच्छा से बन गया मेरा बेड बांस के ऊपर, ये कुछ गरम चादर लाया। आई बॉट सम वार्म क्लोथ्स एंड माय बैग विल बी माय पिलो, सो आई विल स्लीप हियर। देखो ये स्पाइडर जो है आज रास्ते में हमने जो पकड़ा था वो यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है फिर भी कुछ तो होगा इससे भी, नॉट मच बट आई थिंक आई गेस something is better than nothing. I'll make fire, I'll roast it and I'll have it. And I'll sleep without rice today.
Tomorrow morning I'll catch some insects or anything, then I'll cook. ये भी खा सकता है आज रात. फिलहाल आज रात तो नहीं खाएगा, कल मॉर्निंग का नाश्ता होगा. अभी और पकड़ना पड़ेगा ये जो, हाँ जो आवाज़ निकल रहा है ना वही तो है. अभी देखना चाहिए कि कुछ लोगों में एलर्जी भी हो जाता है. एलर्जी भी हो जाए सब लगे कमाल हो गया ना. अभी तो खाओ पड़ेगा, इट्स अ गुड सर्वाइवल फूड. सो कॉट दिस अगेन, दिस वन इज ऑल्सो इडेबल, डिफरेंट वन. सबसे खिचड़ा दे दूस ना ये. तो हमने यहाँ पे जो आग बना दिया है उसका पूरा धुआं यहाँ पे जाएगा. तो ये धुआं कुछ जो मस्कीटो होगा, मच्छर, इंसेक्ट्स वगैरह पूरा उसको भगा देगा. तो सोने में आराम होगा, मुझे दिक्कत नहीं होगा. तो इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, इट्स हॉट हेयर. एक्चुअली इट्स नाइट टाइम, यू शुड बी कोल्ड. अभी ठंड होना चाहिए, फिर भी ऐसा काम कर कर करके पूरा पसीना निकल गया और पूरा बदन में जो है थकान महसूस हो रहा है. तो अभी सो जाता हूँ, कल मॉर्निंग ही, कल सुबह ही मुलाकात करेगा. हाँ, गुड नाइट गाइस. सो गाइस, कल रात यहाँ पे सोया था हम. अभी तो निकलना पड़ेगा दूसरे तरफ की ओर, बहुत भूख लगा हुआ है, जाके नाश्ता वास्ता करेगा. सो गाइस, एज यू कैन सी इट्स रेनिंग, बारिश हो रहा है यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे एक जगह में पहुँचा हुआ है हम. ये है तालाब है जंगल का, इट्स नॉट मैन मेड नहीं है. तो पानी भी है इसके अंदर देखो. और मुझे मेंढक का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है. देर से फ्रॉक है यहाँ पे, फ्रॉक है. और जहाँ पे पानी होता है खाना भी मिलता है वहाँ पे. तो लेट्स गेट सम फ्रॉक, कुछ मेंढक पकड़ के खाएगा. बारिश हो रहा है इसीलिए तो मेंढक बाहर में निकल रहा है. इट्स रेनिंग दैट्स वाई द फ्रॉक इज कमिंग आउट, बट इट्स जस्ट रनिंग अवे. आई एम ट्राइंग टू कैच बट इट्स जस्ट रनिंग अवे. थोड़ा दूसरा टेक्निक चलाना पड़ेगा.
बहुत बारिश हो रहा है, कैमरा के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, पानी पीछे गिरे हुआ कैमरा आने प्रॉब्लम हुआ। तो देखो इतना ज़्यादा पकड़ लिया है, अभी नाश्ता के लिए तो काफ़ी हो गया है, और दूसरा इंसेक्ट्स भी है, पूरा ज़मीन भीग गया है बारिश की वजह से, एवरीथिंग इज वेट, बट लेट्स सी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई लंच, ये मेरा लंच होने वाला है, मेंढक, ग्रास हॉपर, और ये है स्पाइडर। जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना पड़ता है, डजंट मैटर व्हाट। आग भी बढ़िया से जल रहा है, अभी उसका कोयला से ही पकाना होगा। कैसे उसे साफ किया जाता है दिखाता हूँ, तैयार किया जाता है, ऐसा पकड़ो और ऐसा ऊपर की तरफ खींचो तो उसका पूरा खाना का वो जो डब्बा होता है पूरा ऐसा निकल जाएगा, ऐसे तो उसको खींचो, ये सब निकाल देना है, ये सब। हाँ अब ये रेडी है, ओह भाग गया, ऐसा पकड़ो, ऐसा खींचो, पूरा उसका वो जो अंदर में जो होता है सब निकल जाएगा। सो वो रेडी हो गया, वो कुकिंग नाइसली, अच्छे तरह से हो रहा है, धीरे धीरे से। For the insects.
for the spider. Just throw it inside the coal. इसे कोयला के ऊपर रोस्ट कर देगा स्पाइडर और ये क्रिकेट. It's done already. So now it's cooked nicely. Insects, spider, cricket, and frogs. अच्छा से हो गया ये तो. देखो कितना जूस निकल रहा है उसका. Let's see how it tastes. So सब कुछ तैयार है अभी. Start करते हैं. Everything is ready. I'll start with the insects. This is a grasshopper. Praise the Lord. Nice, nice. Spider. Chili. Time for this one. Frogs. I'll start from here. Awesome. Musty. Cricket.
Awesome. हो गया नाश्ता, अभी चलते हैं घर की तरफ।